अब देश में संक्रमण की रफ्तार जो है वो काफी तेजी से गिरते हुए दिख रही है। इधर बात अगर बिहार की करें तो बिहार में लॉकडाउन के बाद कोरोना मरीजों की संख्या में भी काफी गिरावट आ रही है और राज्य में 41 दिनों के बाद कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 3000 के नीचे चला गया है, यानी कि संक्रमण की रफ्तार लगातार अब कम होती हुई दिख रही है। प्रदेश में लॉकडाउन की जो घोषणा की गई थी उसका असर भी दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2844 नए मरीज सामने आए हैं। 12 अप्रैल को कोरोना की दूसरी लहर की पीक शुरुआत हुई थी, उस दिन 2999 नए संक्रमित मरीज सामने आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनके मामलों में कमी होती दिख रही है और संक्रमण की रफ्तार जो है वो कम हो रही है। एक दिन में जो संक्रमितों की बात की जाए तो वो काफी कम दिख रहे हैं। ऐसे में अब आंकड़ा कम हो रहा है तो दूसरी तरफ राज्य में कोरोना संक्रमण दर में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। आंकड़ा सोमवार की अगर बात की जाए तो सोमवार को जो मामले सामने आए थे वो घटकर 2.22% पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक राजधानी पटना में, यानी कि पटना जो जिला है उसमें अगर बात की जाए तो पटना जिला में सर्वाधिक 490 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा औरंगाबाद में 124, बेगूसराय में 141, गया में 139, कटिहार में 132, समस्तीपुर जो कि पटना के बाद दूसरा सबसे संक्रमित जिला बना, जहां 201 नए मामले सामने आए, और पश्चिम चंपारण में 104 मरीज मिले। राजधानी पटना सहित सिर्फ 7 ऐसे जिले हैं जहां पर 100 से अधिक नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। तो बिल्कुल इस खबर पर हमारे साथ हमारे संपादक राजेश मिश्रा से जुड़े हुए हैं। सर, संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है और ऐसे में राजधानी अब भी हॉटस्पॉट की तरह ही देख रहे हैं, क्योंकि यहां भी संक्रमण की रफ्तार कमी तो है लेकिन आंकड़ा 100 तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल निर्दय, अभी जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी आप कह सकते हैं कि रेड जोन में ही अभी हम सब जितने बिहार वासी हैं और देश भी आप कह सकते हैं पूरा देश अभी भी रेड जोन में है। अभी जो हालात बने हुए हैं, हालांकि पूरे स्थिति में ये कह सकते हैं कि आंकड़ा लगातार गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी जो स्थिति है, जो लॉकडाउन का ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन का असर है, लॉकडाउन की वजह से ही आज ये आंकड़ा इस तरह से गिरा है। बिल्कुल, इसके साथ ही अभी सख्ती बरतने की जरूरत है, साथ ही साथ सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। लोगों में लापरवाही भी दिखने लगी है सर, जिस तरीके से अगर मामले देखे तो मामले कम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर आज सड़कों पर आप देखेंगे तो भले ही सरकार ने अब तीसरे लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया है लेकिन सड़कों पर भीड़ भी बढ़ गई है। नहीं बिल्कुल, सड़कों पर भीड़ है, इसी बात की तो चिंता है और यही बात लोग समझने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है जो आंकड़ा पेश कर दिया जाता है और उसके बाद हालात सब कुछ सामान्य हो जाते हैं। बिल्कुल, सच्चाई ये है कि अभी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है, अभी भी आप कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल है। जब तक जो है आम पब्लिक इस बात को नहीं समझेगी, गंभीरता से नहीं लेगी, तो आप तय मानिए कि 10 दिन के बाद अगर लॉकडाउन खुलेगा तो फिर वही हालत पैदा होंगे और फिर जो लगातार जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर की चपेट में हम सब आ जाएंगे, तो ये स्थिति सबसे बड़ी जवाबदेही जो है आम पब्लिक की है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जो कोरोना गाइडलाइन जो जारी किया है उसको फॉलो करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग जो है लापरवाह हैं और इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लेकिन सर, देखा जाए जहाँ एक तरफ देश के साथ साथ बिहार में भी संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम होती तो दिख रही है, लेकिन मरने वालों का जो आंकड़ा है, जहाँ एक तरफ संक्रमण की रफ्तार में भारी कमी दिख रही है तो दूसरी तरफ मरने वालों के आंकड़े में कमी उतनी तेजी से नहीं गिर रही है। नहीं, दरअसल है क्या कि जो पहले से जो संक्रमित थे जिनकी स्थिति ज्यादा नाजुक थी और खराब थी, उनका जो डेथ उन्हीं का ज्यादा हो रहा है, वैसे स्थिति में नए जो संक्रमित हैं उनकी संख्या कम हुई है और ये तकरीबन आप जान लीजिए 25 से 26 तक का ये तारीख तक ये जो स्थिति जो है आज के बाद जो हालात हैं वो धीरे धीरे थोड़े से कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे और जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 15 से 20 दिन का जो फासला होता है कोरोना संक्रमण के बीच, इसमें जो लोग संक्रमित हुए हैं वो 15 से 20 दिन तक का वो आंकड़ा ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन अब जो आंकड़ा है मौत का आंकड़ा भी आस्ते आस्ते कम हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है कि हमें इस स्थिति की गंभीरता को समझना होगा ताकि ये जो मौत का आंकड़ा है, ये संक्रमण का जो दर है तो फिर बढ़ ना जाए। चिंता मौत का आंकड़ा है और संक्रमण का जो दर है वो बढ़ ना जाए, इसको लेकर के लगातार लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो जिस तरीके से देश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है लेकिन मरने वालों की जो संख्या है वो उतनी तेजी से कम नहीं हो रही है जितनी तेजी से देश में संक्रमण, चाहे वो देश की बात करें या फिर बिहार स्तर पर बात करें, तो वो संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। ऐसे में लोग जो है वो लगातार लापरवाही का आलम जो है वो लोगों के
बीच में दिख रहा है। लोग कोरोना संक्रमण की घटती हुई इस रफ्तार को देख करके शायद ये समझ रहे हैं कि अब हम इस बीमारी से दूर हो चुके हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को सचेत होने की जरूरत है।